सुरुवात एका महत्त्वाच्या आणि मोठ्या बातमीनं. मुंबई मेट्रोसाठीच्या वृक्षतोडीला स्थगिती दिली गेली आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची वृक्षतोडीला स्थगिती आणि अधिकारी वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी देतातच कसे असा प्रश्न खडसावून या ठिकाणी विचारला गेलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई मनपाला सवाल या ठिकाणी विचारताना जात दिसतोय. वृक्षतोडीची जाहिरात वृत्तांतपत्रामध्ये का नाही अशा प्रकारचा सुद्धा सवाल उपस्थित केला गेलाय आणि हा प्रकार सहन केला जाणार नाही अशा खड्या शब्दात सुनावलं गेलंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं हा इशारा दिलाय. आपल्याबरोबर आहेत याचिकाकर्ते जोरू भटेना. जोरू जी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये याचिका आने के बाद आपको लगता है कि वृक्ष तोड़ या वृक्ष तोड़ना ये कम हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है ना, अभी मुंबई में एक बीएमसी का ट्री डिपार्टमेंट है जो ये ट्री का देखभाल करने का है, उसको मतलब झाड़ का देखभाल करने का है. लेकिन वो लोग देखभाल करने के अलावा जहाँ जो भी पूछेगा ट्री कटिंग के लिए वो लोग सेंक्शन कर देते. तो ये हर हफ्ता मतलब 100 झाड़ 1000 झाड़ ऐसा चलते रहेगा. पूरा मुंबई में सब झाड़ काटेंगे तो कुछ रह ही नहीं, बच ही नहीं जाएगा. तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये एकदम मतलब बराबर तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है. तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में ये सब डिटेल दिया है. लेकिन जोरू जी, जिस तरह कहा जाता है कि विकास के लिए थोड़ा बहुत नुकसान और वृक्ष तोड़ या इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं सरकार को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, अगर हम समझो रोड के ऊपर काम कर रहे हैं और रोड का राइट साइड पे काम चल रहा है, तो रोड का लेफ्ट साइड पे झाड़ तोड़ने से क्या विकास होने वाला है? यही इशू है. जो जरूरत के बगैर जो ट्री कटते हैं, ये गलत होता है. धन्यवाद जोरू जी हमसे बातचीत करने के लिए.